हेलो एवरीवन, आइए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आर्ट के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब जरा ये बात करते हैं कि ऑफर कितने तरह के होते हैं। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल ऑफर का होता है। जब तक ऑफर नहीं होता तब तक एक्सेप्टेंस नहीं होती, और ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस दैट मेक्स कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ऑफर सर क्या होता है और ऑफर कितने तरीके का होता है? देखिए, ऑफर की जो डेफिनेशन है, दिस डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन जरा ये देखते हैं कि ऑफर से पहले क्या आता है। तो देखिए जरा, ऑफर से पहले की जो स्टेज होती है उसे हम कहते हैं इनविटेशन टू एन ऑफर, इनविटेशन टू एन ऑफर। ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। डिफरेंस ये कि इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इसी बात को लेके कंफ्यूजन होता है कि इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर सेम होता है, बट रियल में ऐसा नहीं होता। इनविटेशन टू एन ऑफर ऑफर से पहले की स्टेज है। ये देखिए जरा, पहले इनविटेशन टू एन ऑफर आता है, इनविटेशन टू एन ऑफर के रिस्पांस में ऑफर आता है, एंड ऑफर के रिस्पांस में एक्सेप्टेंस आती है। तो सबसे पहले इनविटेशन टू एन ऑफर, उसके बाद ऑफर और उसके बाद एक्सेप्टेंस। तो इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इंटरेस्टिंग है। डिफरेंस अगर हम देखें, आप देखिए, कभी किसी ऑक्शन का अगर आपने एडवर्टीजमेंट देखा हो, अगर किसी ऑक्शन का आपने एडवर्टीजमेंट देखा है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर, यानी कि ऑफर देने के लिए इनवाइट करना। आप किसी स्टोर पे हैं और आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत पसंद आया है और आपने उसकी प्राइस पूछी, लेकिन सेलर बोल रहा है कि सर वो प्रोडक्ट सिर्फ डिस्प्ले के लिए है, या जो साइज आप डिमांड कर रहे हैं, जो मॉडल आप डिमांड कर रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है, और इस वजह से वो आपको सप्लाई नहीं कर सकता। अब क्या आप उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं? द आंसर इज नो, आप उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते, क्योंकि जो डिस्प्ले में गुड्स पड़े हैं दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनविटेशन टू एन ऑफर। तो सबसे पहले इनविटेशन टू एन ऑफर आता है और उसके बाद उसके रिस्पांस में ऑफर देता है। तो ये इनविटेशन टू एन ऑफर देता कौन है? ये इनविटेशन टू एन ऑफर सेलर की तरफ से आता है। जब हम किसी मॉल में जाते हैं, किसी स्टोर में जाते हैं और जो डिस्प्ले में गुड्स पड़े होते हैं, दैट इज एन इनविटेशन टू एन ऑफर, और उसके रिस्पांस में हम उन्हें ऑफर देते हैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने का। और एक्सेप्टेंस देना या ना देना डिपेंड करता है उसके सेलर के ऊपर। अब जरा सोचिए, एक ऑक्शन चल रही है, ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट आया और आप उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने पहुंच गए। तो जो ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट आया था, यस, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर। अगर आप उस ऑक्शन में जाकर, अगर आप ऑक्शन कर रहे हैं यानी कि बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपकी तरफ से ऑफर है। और जब सेलर की तरफ से फॉल ऑफ हैमर होगा, यस, फॉल ऑफ हैमर जब होगा तब मिलेगी एक्सेप्टेंस, राइट? सो ऑक्शन का जो एड आया, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर। ओके, ऑलराइट। जॉब के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, यस, जॉब रिक्रूटमेंट के जो एडवर्टीजमेंट आते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर। आप जो पेपर में देखते हैं, पेपर में आप देखते हैं कि जॉब का रिक्रूटमेंट का एड आया है, वो इन्विटेशन टू एन ऑफर है, और आपको या किसी को भी बुलाया गया है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। आप जॉब के लिए जा रहे हैं और जॉब में जाकर आप इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपकी तरफ से ऑफर है। और इस ऑफर की एक्सेप्टेंस कौन देगा? इस ऑफर की एक्सेप्टेंस वो पर्सन देगा, वो कंपनी देगी जिसने कि उस जॉब का एडवर्टीजमेंट दिया था।
एक और एग्जांपल की अगर बात करें तो ऑनलाइन स्टोर्स राइट, ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं वो सब एक तरीके से इनविटेशन टू एन ऑफर होता है, क्योंकि उनको ऑफर हम देते हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने का, और उनकी तरफ से क्या आता है, उनकी तरफ से एक्सेप्टेंस आती है जब वो हमारे ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं. सो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर. एक और एग्जाम्पल आपको बताया था, रेलवे के जो चार्ट्स होते हैं रेलवे स्टेशन पे, रेलवे रिजर्वेशन के लिए जो चार्ट्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इन्विटेशन टू एन ऑफर. और उसके बाद हम जो टिकट्स खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं वो हमारी तरफ से होता है ऑफर, और रेलवे की तरफ से क्या मिलता है, रेलवे की तरफ से मिलता है एक्सेप्टेंस. अब जरा आगे बात करते हैं, और अब ये बात करते हैं कि सर ऑफर तो ठीक है लेकिन ऑफर कितने तरीके का होता है ये जरा देखते हैं. देखिए ऑफर की अगर हम बात करें, सो देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ ऑफर. फर्स्ट कैटेगरी इज जनरल ऑफर, सेकेंड कैटेगरी इज स्पेसिफिक ऑफर, थर्ड वन इज काउंटर ऑफर, फोर्थ वन इज क्रॉस ऑफर, एंड स्टैंडिंग ऑफर. जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर एंड स्टैंडिंग ऑफर. जनरल ऑफर क्या होता है सर? देखिए जनरल ऑफर वो ऑफर होता है जो कि पब्लिक एट लार्ज को गिवन होता है, पब्लिक एट लार्ज को गिवन होता है, जिसकी एक्सेप्टेंस किसको देनी है, जिसकी एक्सेप्टेंस पब्लिक में से कोई भी दे सकता है. फॉर एग्जाम्पल मिसिंग पर्सन का अगर एडवर्टीजमेंट आया है, अगर किसी मिसिंग पर्सन के बारे में पेपर में कोई एडवर्टीजमेंट है, यस पेपर में कोई इस बारे में अगर एडवर्टीजमेंट है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल ऑफर. और यहाँ एक फेमस केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का. उस केस में एक कंपनी एक एडवर्टीजमेंट देती है और ये बोलती है कि हमारी कंपनी की मेडिसिन को कंज्यूम करने से अगर किसी को इन्फ्लुएंजा हो जाए या उसका इन्फ्लुएंजा इनफैक्ट ठीक ना हो, कंज्यूम करने के बाद भी अगर इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं होता तो कंपनी ने एक स्पेसिफिक अमाउंट देने का प्रॉमिस किया था, और कंपनी ने ये अमाउंट एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट भी करवा दिया था. इन्फ्लुएंजा बेसिकली जुकाम का एक फॉर्म होता है. कार्लिल ने उस मेडिसिन को कंज्यूम किया, मेडिसिन कंज्यूम करने के बाद भी जब मिसेस कार्लिल का जब इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुआ तो उन्होंने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया. जब उन्होंने कंपनी के ऊपर केस फाइल किया तो कंपनी की तरफ से यह आर्ग्यूमेंट थी कि कंपनी ने मिसेस कार्लिल को ऑफर दिया ही नहीं था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि दैट वॉज ए जनरल ऑफर, और जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस कोई भी पर्सन दे सकता है. तो इसलिए जनरल ऑफर और इनविटेशन टू एन ऑफर का डिफरेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि जनरल ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर का क्या डिफरेंस होता है. सो द डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन टू एन ऑफर एंड जनरल ऑफर इज, सर इनविटेशन टू एन ऑफर तो पहले आता है और जनरल ऑफर बाद में आता है. इनविटेशन टू एन ऑफर ऑफर से पहले आता है. इन दोनों एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं, दोनों एग्जाम्पल्स में एडवर्टीजमेंट है लेकिन एडवर्टीजमेंट के नेचर में डिफरेंस है. तो हर एडवर्टीजमेंट को हम जनरल ऑफर नहीं कह सकते, हर एडवर्टीजमेंट को हम इनविटेशन टू एन ऑफर भी नहीं कह सकते. तो हमें देखना यह है कि एडवर्टीजमेंट किस नेचर का है. अगर वो मिसिंग पर्सन का एड है तो वो जनरल ऑफर है, अगर वो जॉब का एड है तो वो इनविटेशन टू एन ऑफर है. अगर रिक्रूटमेंट के बारे में हमने बात की कि वो किस में आएगा, वो इनविटेशन टू एन ऑफर के बारे में आएगा. अगर टेंडर का नोटिस है तो वो इनविटेशन टू एन ऑफर है. अगर टेंडर का नोटिस आया है यानी कि टेंडर्स इनवाइट किए गए हैं, दैट इज एन इनविटेशन टू एन ऑफर, और उसके रिस्पॉन्स में जो लोग टेंडर फिल करते हैं वो अपनी तरफ से ऑफर देते हैं, और उस ऑफर की एक्सेप्टेंस कौन देता है, वो कंपनी या वो डिपार्टमेंट अगर सरकार ने दिया है तो, जो उसकी एक्सेप्टेंस देता है. आगे जरा बात करते हैं,
और अब बात करते हैं कि स्पेसिफिक ऑफर कौन सा होता है। देखिए, स्पेसिफिक ऑफर जनरल ऑफर का अपोजिट है। स्पेसिफिक ऑफर किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाता है, या तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को दिया जाएगा या किसी पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पर्सन को दिया जाता है ये ऑफर। स्पेसिफिक ऑफर सबके लिए ओपन नहीं होता। सो बेसिकली वी कैन से कि सर, एक इंडिविजुअल को अगर ऑफर दिया जाए जिसमें कोई पर्सनल आर्ट हो, और पर्सनल आर्ट की वजह से सिर्फ वही शायद उस ऑफर की एक्सेप्टेंस दे सकता है। अगर मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं और उस फिल्म के लिए मैंने श्री अमिताभ बच्चन जी को अप्रोच किया है, और मैं अमिताभ बच्चन जी को बोलता हूं कि सर क्या आप मेरी फिल्म में काम करेंगे, तो मेरा ऑफर सिर्फ उनके लिए है, ना कि अभिषेक बच्चन के लिए या ना ही ऐश्वर्या राय बच्चन के लिए। तो वो जो मेरा ऑफर है और किसी फिल्म एक्टर के लिए नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हीं से पूछा है विल यू वर्क इन माई मूवी। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक ऑफर। तो स्पेसिफिक ऑफर सबके लिए ओपन नहीं होता, सिर्फ उसी पर्सन के लिए ओपन होता है जिस पर्सन को ये ऑफर दिया गया है, और इसकी एक्सेप्टेंस भी इसे वही पर्सन दे सकता है, और उसके अलावा इस ऑफर की एक्सेप्टेंस और कोई नहीं दे सकता। अब आगे बात करते हैं, एंड द नेक्स्ट ऑफर इज काउंटर ऑफर। देखिए, काउंटर ऑफर में मॉडिफिकेशन होता है, मॉडिफिकेशन होता है ओरिजिनल ऑफर में। तो जब ओरिजिनल ऑफर में ऑफरी मॉडिफिकेशन कर दे तो उस ऑफर को हम कहते हैं काउंटर ऑफर। तो ये काउंटर ऑफर से किस तरीके से काम करता है, आइए जरा देखते हैं। तो इफ अगर मिस्टर एक्स अपनी बाइक सेल करने के लिए ऑफर दे रहे हैं मिस्टर वाई को, जो ऑफर है वो 10 लाख जो ऑफर है वो ₹1 लाख का है, लेकिन मिस्टर वाई रिप्लाई में अगर उसे 80,000 कर रहे हैं। मिस्टर एक्स ने पूछा क्या आप मेरी बाइक 1 लाख रुपीज में परचेस करेंगे, और मिस्टर वाई रिप्लाई कर रहे हैं कि क्या आप अपनी बाइक 80,000 में सेल करेंगे। तो इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इसका इंपैक्ट यह हुआ कि फर्स्ट ऑफर में मॉडिफिकेशन कर दिया, फर्स्ट ऑफर में मॉडिफिकेशन मिस्टर वाई ने कर दिया। इस वजह से जो फर्स्ट ऑफर था, दैट फर्स्ट ऑफर इज नो मोर ए वैलिड ऑफर। पहला वाला ऑफर अब वैलिड नहीं रहा और एक नया ऑफर दिया है मिस्टर वाई ने, और जिस ऑफर की एक्सेप्टेंस किसको देनी है, मिस्टर एक्स को। तो यहां ऑफरर चेंज हो गया। ये बात याद रखिएगा कि जब भी काउंटर ऑफर होता है ना, तो ऑफरर बदल जाता है। ऑफर के रिस्पांस में अगर काउंटर ऑफर दिया जाएगा तो जिसने काउंटर ऑफर दिया है वो बन जाता है ऑफरर, और जिसे काउंटर ऑफर मिला है वो बन जाता है ऑफरी। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा था। और इसके साथ क्या होता है, इसके साथ जो फर्स्ट ऑफर होता है ना, फर्स्ट ऑफर, वो फर्स्ट ऑफर अब वैलिड नहीं रहता। अगर मिस्टर वाई रिप्लाई करते ओके आई एम रेडी टू बाय, तो वो एक्सेप्टेंस होती, लेकिन उन्होंने इसके रिस्पॉन्स में एक नया ऑफर दे दिया, इसलिए हम उसे बोलेंगे काउंटर ऑफर। अब जरा बात करते हैं क्रॉस ऑफर किसे कहते हैं। देखिए जरा, क्रॉस ऑफर जिसमें कि आइडेंटिकल ऑफर्स होते हैं, आइडेंटिकल ऑफर होते हैं, आइडेंटिकल ऑफर्स, जब दो पार्टीज सेम टाइम पे एक दूसरे को सेम ऑफर दे और दोनों को इस बारे में पता ही ना हो कि दूसरी पार्टी ने मुझे सेम ऑफर दिया है। तो अगर दो लोग मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई सेम डे एक दूसरे को किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ऑफर दे रहे हैं और दोनों को इस बात की कोई नॉलेज नहीं है कि दूसरी पर्सन ने भी सेम ऑफर उन्हें दिया है, उस ऑफर को हम कहते हैं क्रॉस ऑफर। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस केस में ऑफरर कौन होगा और ऑफरी कौन होगा, सोचे सोचे जरा गेस कीजिए कि इस केस में ऑफरर कौन होगा और ऑफरी कौन होगा। इस केस में ऑफरर वो होगा जिसके ऑफर को पहले एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, और जो पहले एक्सेप्टेंस देगा वो एक्सेप्टर बन जाएगा। तो दोनों लोगों ने एक दूसरे को ऑफर दिया है, अब देखना यह है कि किसके ऑफर को पहले एक्सेप्टेंस मिलती है।
नेक्स्ट जो ऑफर है उसका नाम है स्टैंडिंग ऑफर। स्टैंडिंग ऑफर को ना कॉन्टिन्यूइंग ऑफर भी कहते हैं। और स्टैंडिंग ऑफर के लिए मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि स्टैंडिंग ऑफर का बेस्ट एग्जाम्पल है टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट। टेंडर के बाद टेंडर जब ग्रांट हो जाता है और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, टेंडर ग्रांट होने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैंडिंग ऑफर। वो स्टैंडिंग ऑफर का एग्जाम्पल हो सकता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल मैं आपको स्टैंडिंग ऑफर का बता रहा हूं। देखिए, स्टैंडिंग ऑफर में ना एक सिंगल ऑफर होता है और उस सिंगल ऑफर की मल्टीपल एक्सेप्टेंस दी जाती है। एक सिंगल ऑफर और उस सिंगल ऑफर की मल्टीपल एक्सेप्टेंस दी जाती है। सो एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, न्यूज़पेपर वाले को अगर मैंने कहा कि कल से मुझे इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर चाहिए, मैंने उसे ऑफर दिया, अब न्यूज़पेपर वाले वेंडर को रोज मुझे न्यूज़पेपर सप्लाई करना है। ऑफर मैंने एक बार दिया है, लेकिन मैंने कहा है मुझे 2 महीने के लिए इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर चाहिए, तो अगले 2 महीने तक वो एक्सेप्टेंस देगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं रोज उसे ऑफर दूं और वो रोज मुझे उस ऑफर की क्या दे, एक्सेप्टेंस दे। जब किसी को टेंडर मिल चुका है, टेंडर ग्रांट हो चुका है, तो उसमें टेंडर की ड्यूरेशन लिखी होती है कि इस टेंडर के अकॉर्डिंग आपको इतने गुड्स सप्लाई करने हैं और इतने टाइम तक सप्लाई करने हैं। तो अगर टेंडर में टाइम 1 साल का है तो ऑफर सिर्फ एक बार मिला है, लेकिन जिस पर्सन को सप्लाई करना है उसे एक ऑफर के बदले में बार 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 एक्सेप्टेंस देनी है, तो उसे हम स्टैंडिंग ऑफर कह सकते हैं। सो सिंगल ऑफर प्लस मल्टीपल एक्सेप्टेंस वाले केस को हम बोलते हैं स्टैंडिंग ऑफर। सेम केस न्यूज़पेपर का था। न्यूज़पेपर वाले को अगर मैं न्यूज़पेपर डालने के लिए बोला है तो मैंने ऑफर से उसे एक बार दिया है, मुझे रोज डेली उसे ऑफर नहीं देना है, लेकिन मेरे ऑफर की एक्सेप्टेंस हर बार मिलेगी। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया कि इनविटेशन टू एन ऑफर और ऑफर में क्या डिफरेंस होता है, एंड दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ऑफर। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच।